नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर एमपी की सियासत में उठापटक। एमपी में कांग्रेस का दावा, 15 अगस्त 2020 में फिर फहराएंगे तिरंगा कमलनाथ सरकार। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कमलनाथ के फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद से नए मुख्यमंत्री को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की रेस में शिवराज सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। वह पहले भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे चलकर फिर उठापटक हो सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर दावा किया है, इस ट्वीट को संभाल कर रखना। अगस्त 2020 को कमलनाथ जी एमपी के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। ये बेहद अल्प विश्राम है। कमलनाथ सरकार की मुश्किलों का दौर मार्च महीने की शुरुआत में चालू हुआ, जब कांग्रेस के कुछ विधायक गुरुग्राम के एक होटल में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह समेत अन्य बीजेपी नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। कांग्रेस की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर कल कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देने की घोषणा की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।